हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको स्टेट गवर्नमेंट म्यूजियम मदुरई ले चलता हूँ। वहाँ आपको म्यूजियम के अंदर के सभी सामानों को दिखाता हूँ तथा बहुत सारी मूर्तियाँ हैं उनको भी दिखाऊँगा। और देखिए और एंजॉय कीजिए। ये देखिए, हमने शुरुआत की जिसमें बहुत पुराने समय की पिस्टल थी, फिर अभी ये तलवारें और बर्छियाँ और म्याने वगैरह सामान दिखाई दे रहे हैं आपको। सबके पास बोर्ड लगा हुआ है और ये फिर से बंदूकें दिखा रही हैं जो कि अंग्रेजों के समय की रखी हुई हैं यहाँ पे सहेज करके। पुरातत्व विभाग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद आप देखते जाइए, धीरे धीरे ढेर सारी चीज़ों को मैं दिखाऊंगा और आप इसको एंजॉय कीजिए। और अगर आपको मौका मिलता है तो आप ज़रूर जाइए और मदुरई में इसको देखिए। इसी म्यूजियम के पास महात्मा गांधी म्यूजियम भी है, जो कि महात्मा गांधी ने जो जिन सामानों को यूज़ किया था और ढेर सारे पुस्तकें, ढेर सारे लेटर्स वहाँ पर रखे हुए हैं, वो म्यूजियम भी आप ज़रूर देखिएगा। महात्मा गांधी म्यूजियम टोटली फ्री है एंट्री, और यहाँ पर उसके थोड़े से माइनर चार्जेज लगे हुए हैं, 20 रुपये पर एडल्ट, और साथ में फोटोग्राफी करने के लिए भी चार्जेज लगाए हैं। तो उस तरीके से अब ये देखिए, तमाम आपको स्कॉर्पियन दिखाई दे रहे हैं जो कि प्रिजर्वेटिव के साथ बोतलों में रखे हुए हैं। बहुत सारे स्नैक्स रखे हैं या और भी दूसरे तरीके के कीड़े, ये देखिए। देख करके आप इसको अपने आप देखेंगे तो आपको सब चीज़ें पता चलती रहेंगी और इन्जॉय कर सकेंगे। इसलिए मैं बोलना थोड़ा कम करता हूँ, आपको दिखाना में ज़्यादा जोर देता हूँ। आप देखिए और पहचानिए, समझिए क्या है। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। और हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इन मर्तबानों को तो आपने शायद यूज भी किया होगा। ये सारी वस्तुएं बहुत पुरानी हैं, कोई कोई तो 1000 से 1200 साल पुरानी हैं, कुछ आइटम जो है थोड़े कम पुराने हैं, कुछ आइटम आपने घरों में यूज भी किए होंगे, कुछ आइटम बिल्कुल भी नहीं यूज़ किए होंगे। बहुत सारे ये वाद्य यंत्र हैं जो डिस्प्ले में लगाए गए हैं, जो भारतीय म्यूजिकल घराने हैं उनमें ये सारे यूज हुए हैं और अभी इनको प्रिजर्व करके रख दिया गया है। ये म्यूजियम मदुरई रेलवे स्टेशन से केवल 5 किलोमीटर दूर है, और आप कभी भी जब जाते हैं मदुरई के माँ का दर्शन करने के लिए तो इस म्यूजियम को ज़रूर देखने जाएं। बहुत ही आकर्षक म्यूजियम है, बहुत ही मेंटेन करके रखा हुआ है और आपको देख करके श्योरली मज़ा आएगा। पूरे म्यूजियम को एक साथ दिखाने के कारण थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है, आपका ज़्यादा समय ले रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब म्यूजियम को देखने की चाहत आपके समय से ज़्यादा उपयोगी होगी और आप इन चीज़ों को देख के, ये मिनरल ओर वाले पत्थर हैं जो कि खुदाई में निकाले जाते हैं, खास करके तमिलनाडु स्टेट से उनको यहाँ संकलित किया गया है। और कितनी सावधानी के संग, कितने अच्छे ढंग से चीज़ें सजाई गई। ये विभिन्न प्रकार के संघ हैं। आपको मालूम है कि तमिलनाडु में बहुत दूर का इलाका समुद्र के साथ जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर ये शंख वगैरह निकलते हैं और म्यूजियम में पुराने शंखों को ला करके संकलित किया गया है।
ये विभिन्न तरीके के सांप हैं, स्नेक्स, कोबरा, जैसा कि आपने लिखा हुआ देख लिया होगा। इस तरीके के हर आइटम के साथ में उनके नेम प्लेट वगैरह लगाए हुए हैं, जो कि इस समय बहुत छोटे होने के कारण हो सकता है आपको न दिखाई दे रहे हों, लेकिन मैंने कोशिश की है कि सभी अच्छे ढंग से ले पाऊँ और आपको दिखाने की कोशिश करूँ। ये देखिए, ये एक आदमी का कंकाल दिखाई दे रहा है जो कि करीब 8.5 फीट लंबा है। इससे पता चलता है कि उस समय 8.5 से 10 फीट लंबे कंकाल होते थे, जिस समय का ये कंकाल है। हमारे देवी देवताओं की पुरानी मान्यताओं के आधार पर मूर्तियाँ और फोटोग्राफ्स हैं, जो कि एक अच्छा हमें अपने इतिहास का जानकारी देते हैं। और ये सारे ही पुरातत्व के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण साधन हैं, जो कि हमें हमारे इतिहास से परिचय कराते हैं। अब ये ब्रांच के बने हुए बहुत सारे आइटम्स हैं जो कि हम घरों में यूज़ करते थे और ख़ास करके किचन में। ये ब्रांच के बने हुए कुछ आइडियल्स हैं हमारे देवी देवताओं के, और बहुत से घरेलू यूज के भी सामान बनाए हुए हैं, उन सबको यहाँ पर लिख करके दिखाया गया है। ये घरेलू औजार हैं जो कि घरों में यूज प्रयोग किए जाते थे। ये पुरानी ढोलक और बहुत सारे सामान जो खेती बाड़ी में भी यूज करते थे, अपने खेतों में जो लोग काम करते थे वो इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करते थे। लकड़ी के बने हुए सारे आइटम्स जिसमें आइडियल्स हैं देवी देवताओं के, जो कि बहुत ही पुराने हैं बट आज भी अच्छी तरीके से प्रिजर्व किए गए हैं। ये पहले औरतें जो है कड़े यूज किया करती थी, आप देखिए ये गहनों में इसका प्रयोग दिखाया गया है।
ये इंडियन कॉइन्स हैं जो कि अब के लोग नहीं देख पा रहे हैं। हमारे टाइम पे तो 1 पैसे तक का प्रयोग होता था, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा और 25 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपया। ये भारतीय कॉइन भी हैं, साथ में बांग्लादेश और पाकिस्तान के भी कॉइन्स हैं और कुछ और भी दूसरे देशों के कॉइन्स एंड नोट्स दोनों यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। देखने में बड़े आकर्षक लगते हैं और जानकारी देने वाले हैं। ये मदुरै के मीनाक्षी टेम्पल का रिप्लिका है, आप देखिए इसको बहुत ही अच्छे से, बहुत पहले बनाया गया था और ये अभी म्यूजियम में रखा दिया गया है। इसको देख करके आप मदुरै मंदिर का जो है पूरा हूबहू नकल है, आप इससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि वहाँ पर क्या क्या है, क्या देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ आजकल कैमरा ले जाना मना है और फोटोग्राफी मना है। ये कुछ पुराने आइडल्स और कलाकारी बाहर मैदान में भी लगाई गई है जिसके लिए कोई टिकट नहीं है, आप कभी भी जाके देख सकते हैं। और इसमें बहुत सारे हमारे देवी देवताओं के आइडल्स हैं और कुछ ऐसे ही मूर्तियां बना के लगा दी गई हैं, वहाँ पर भी हमने ये फोटोग्राफ ले लिया। के साथ ही हमारा वीडियो लगभग ख़त्म होने को आया, और आपको वीडियो कैसा लगा ये म्यूज़ियम का उसके आप कमेंट करके बताइए, और साथ में आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मैं कोशिश करूँगा कि और भी आपको इस तरीके के रोचक जानकारियाँ देने वाले फोटोग्राफ्स और वीडियो बना करके YouTube पर लोड करता रहूं, और आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए और जानकारी पाइए। थैंक यू।